So we concluded our fudge class today. Chocolate fudge is basically different than chocolate mithai. Chocolate fudge is chewy and soft, which I already showed you. This is how your fudge texture looks. It doesn't become shapeless. It will always be in this shape forever. It will last you for 15 to 20 days provided you wrap individually. Secondly, fudge doesn't melt. अभी हमारा समर्स है तो ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर समर्स. जब भी आपको बाहर किसी को भेजना है ट्रांसपोर्टेशन में, फज इज ऑलवेज बेटर बिकॉज मिठाई शायद आपकी मेल्ट हो जाए बिकॉज वो चॉकलेट है, बट फज मेल्ट नहीं होगी, शेप भी चेंज नहीं करेगा. शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, पैक करो अच्छे से. मैंने आज आपको इंडिविजुअल बॉक्सेस भी सिखाया है कि किस तरह से आपको इंडिविजुअल बॉक्सेस में डाल के आपको भेजना है. तो इस तरह से आई थिंक फज इज़ अ वेरी गुड ऑल राउंड द ईयर काइंड ऑफ अ मिठाई फज. ठीक है, आज हमने मिठाई का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कहीं हमने पान वाली, कहीं ठंडाई, ट्रेडिशनल फ्लेवर्स जहाँ यूज़ करते हो तो आप उसको मिठाई फज बोल सकते हो. ओके, आज हमने सिक्स वराइटीज़, 5 या 6 वराइटीज़ की फज बनाई. लेट्स गो थ्रू इट. पहला वाला हमारा मैंगो फज था. यस, आज हमने मैंगो डोनट फज बनाया. ओके, आज डोनट शेप में मैंगो क्रैनबेरी पिस्ताशो फज बनाया है. इसकी पैकिंग भी दिखाई है. फिर उसके बाद हमने बनाया बिस्कॉफ फज सैंडविच स्टाइल. ओके, और बिस्कॉफ का टॉपिंग ऊपर से बिस्किट का, उसको भी हमने कट करके दिखाया. मैंने बताया किस किस बेस में आप बना सकते हो. ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिस टू मेक द फज. वी हैव मेड अ रेड वेलवेट फज अगेन इन टू स्टाइल्स. वन इज दिस, वन इज इन द बॉक्स. आई जस्ट शो यू हाउ द बॉक्स वन लुक्स. दिस इज योर रोज वाला फज, रेड वेलवेट विथ स्प्रिंकल्स एंड सम ग्लिटर. देन वी डिड शाही पान गुलखंड फज विथ अ रोज बड. यस, वी हैव अ रोज बड एंड ऑफकोर्स वी हैव द गुलखंड फ्लेवर, पान फ्लेवर इन साइड. इन एवरी थिंग यू कैन यूज चांदी वर्क. ठीक है, तो मैंने चांदी वर्क कैसे डाला है. फिर हमने बनाया, आज बहुत अलग चीज़ बनाई है, वो है सेसमी से बनी हुई डार्क चॉकलेट सेसमी वॉलनट फज. ओके, सो दिस इज योर डार्क चॉकलेट सेसमी फज. अगेन सी, यू हैव टू मेक श्योर यू स्टार्ट रैपिंग देम इंडिविजुअली सो दैट दे डोंट ड्राई. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना खुला रखोगे उतना जल्दी ड्राइनेस आ जाएगी. नाउ बीइंग होली फेस्टिवल आई शोड यू हाउ टू मेक अ थंडाई फज. सो दिस इज हाउ योर थंडाई फज लुक्स. लुक एट द कट्स, द ड्राई फ्रूट इन साइड. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. दैट्स योर टॉपिंग. इन साइड ऑल्सो हमने खूब सारा ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर डाला है जो थंडाई रिलेटेड होता है. ओके, थंडाई इज मेनली फॉर योर होली फेस्टिवल बट ऑफकोर्स इट गोज अगेन ऑल राउंड द ईयर. दिस इज अ वन बॉक्स पैकिंग विथ इंडिविजुअल पैकिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल रैपिंग ऑफ ईच फज शुड बी देयर. एंड टुडे आई हैव टॉट यू हाउ टू मेक अ बॉक्स. ओके, सो नाउ दिस इज अ बॉक्स वेयर वी हैव होली टॉपर्स. ओके, जस्ट अ थीम फॉर होली. नाउ हाउ डू यू मेक दिस. वी हैव असॉर्टेड स्टफ इन दिस, कम्प्लीटली पूरा सब आ गया इसमें. हमने आज जो भी बनाए ये सब एक बॉक्स में आ गया. ओके, सो वी हैव आर सेसमी डार्क चॉकलेट फज, वी हैव आर रोज पान फज, ब्राजीलियन, येस आई फॉरगॉट दैट वी हैड ब्राजीलियन फज विथ कोको पाउडर सेसमी एंड वर्मिसली, बिस्कॉफ फज, रेड वेलवेट इन अ फ्लावर शेप, वी हैव अगेन दैट मैंगो विद अ डोनट शेप एंड आर थंडाई फज. ओके, सो एवरीथिंग गोज इन वन बॉक्स. यू पैक योर बॉक्स. When you are transporting it, double pack it, bubble wrap it, and then transport it. Okay, that's very, very important. So I had 4 students today, Delhi, Mumbai, 2 from Pune. ठीक है, और कुछ? Thank you. Welcome. It's a very helpful session. Like I really enjoy punch making. Thank you. Easy also, right? It's very easy. Very easy. एंड काफ़ी चीज़ें इंग्रीडियंट्स इजिली अवेलेबल है तो फज का इतना फस नहीं है. यू कैन इजिली मेक इट. हाँ, जल्दी हो जाता है. वही तो मैंने बताया कि मुझे फज. यस सुलभा जी, वेलकम. ऑल गुड, सब क्लियर. चलो, बेस्ट पार्ट है कि फज का टेंशन